सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब गाइस? मैं शावर लेकर, ये बाइक खड़ी है शावर लेकर, यानी कि चीने पे गया था, चीने से शावर लिया है भाई, चीना चश्मा जिसको बोलते हैं, ठंडा पानी, फुल ठंडा पानी। और ये भी मेरे साथ था, ये नहाया नहीं, आई थिंक इसकी कंडीशन से लग तो नहीं रहा ये नहाया क्योंकि वहाँ पर दो जगह बनी हुई थी ना। तो गाइस आज की हमारी प्लानिंग ये है कि हम जाएंगे मलम जबा, और मलम जबा यहाँ से है 2 किलोमीटर। क्या बोला? 2 किलोमीटर। सास मां बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को सम... 2 घंटे का रास्ता है यार, 2 किलोमीटर बोल दिया, 2 घंटे का रास्ता है। और यहां से अभी हम निकलने लगा है, नाश्ता करना है, नाश्ता करके निकल रहे भाई मलम जबे को। ठीक है गाइस, तो वहां जाके आपको मिलते हैं। गाइस इसकी भी सुने, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत कुछ है वो भी करे बहुत कुछ क्या होता है अभी देखते हैं क्या होता है भाई। अभी हम निकलने लगे सब। गाइस हमारा कैंसिल हो गया था भाई, क्या कहते हैं वो मलम जबा जाना हमारा कैंसिल हो गया था। तो चारबाग हम आए स्पेशल चारबाग की आइसक्रीम खाने के लिए। तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ और बाकी मैं अंदर जाता हूँ, क्या सीन है आइसक्रीम का भाई, शॉर्ट वाला कप ले लेंगे भाई, उससे गुजारा करेंगे। तो रहन दो फिर। तो बहुत दूर से सफर तय करके आए, बहुत स्पीड से आए अपनी इस बाइक पर। ठीक है आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता ये कुछ नहीं कहना चाहता। आप हमें लेंगे चारबाग की मशहूर तरीन आइसक्रीम, इस जगह का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? फजल। फजल आइसक्रीम वाले। आइसक्रीम खाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ किस जगह की आइसक्रीम, ये किस जगह फजल आइसक्रीम वाले। ये चारबाग की मशहूर तरीन आइसक्रीम है ना, ऐसे ही हाँ वो चारबाग पूरे शांगले की मशहूर है, पूरे पूरे स्वाद की मशहूर है। हाँ जी पूरे स्वाद की मशहूर आइसक्रीम है ये चारबाग वाली। अभी अंदर चलते हैं और आइसक्रीम खाते हैं भाई, अपनी कर देते हैं और लेते हैं अपनी आइसक्रीम। हम ऐसे रात को भी आए थे खा के गए थे, लेकिन रात को मैं वीडियो नहीं बना पाया, व्यू अच्छा नहीं आता। गाइस ले लिया आइसक्रीम और अभी हम इसे को खा रहे हैं और फिर चलते हैं वापस अपने किले की तरफ, अपने ख्वाजा खेले की तरफ। हाँ जी ख्वाजा खेले, ख्वाजा खेले स्पेशल हम इसकी आइसक्रीम खाने आए हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप लोग भी आओगे ना तो चार बार की आइसक्रीम का विजिट लाजमी कीजिएगा। ठीक है आइसक्रीम हमने खा ली भाई, तो अभी निकलते हैं वापस। कहाँ जाना है देखते हैं, किस साइड पे चलते हैं, इस साइड पे जाना है या इस अंदर की तरफ चलते हैं, ट्यूनिंग की तरफ थोड़ा सा, फिर वापस चलते हैं रोड वाली साइड पे, कम तरफ था भाई रोड वाली साइड पे तो बहुत ज़्यादा रश है। तो हम इधर चारबाग की गलियों से गुजरते हुए अपने रूट पे निकलते हैं, बाहर रोड पे निकलेंगे क्योंकि रोड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रश था, जाना मुश्किल था भाई, आने वाले को जाने वाले को दोनों को प्रॉब्लम हो रही थी। सीधा चुका ना 15 minutes later. Guys, ye dekho. तो गाइज हम खतरनाक रास्ते से सफर करते हुए हम आए हैं यहाँ पे मोहम्मद अली सवाद चारबाग स्पेशल चिकन शोपड़ इसको बोलते हैं, शोपड़ भाई बोलते हैं उस चीज को, क्या कहते हैं शोपड़ चाहता भाई, अलोबिया था भाई, हाँ अलोबिया। ये भाई ने प्लेटें तैयार कर दिए भाई, ये देखो पूरा पतीला भरा हुआ है। तो अभी हम इसको खाएंगे और फिर हम इसको पेट में डालेंगे और फिर हम वापस चलते हैं चारबाग खेले की तरफ। ठीक है गाइस तो चलते हैं, खाते हैं फिर निकलते हैं। गाइस लजीज और मसालेदार भाई, फुल स्पाइसी खा लिया, पेट फुल हो गया भाई, एक ही कोले के साथ पेट फुल हो गया भाई स्वाद के
हलक एवे नहीं, इतने ताकतवर होते हैं भाई। ये जो होती है ना, ये जो इसको, ये जो इसका क्या नाम है यार, ये शोपड़, ये शोपड़ इसको पश्तो में बोलते हैं शोपड़, इसको अलोबिया बोलते हैं उर्दू में, अलोबिया बोलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मटीरियल पर डला होता है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐसे ही नहीं, ये स्वाद के लोग इतने ताकतवर होते हैं भाई, बॉडी बॉडी शाडी होती है इनकी, मतलब जोर वाले होते हैं, पहाड़ शहाड़ चढ़ते हैं, बहुत शौक से खाते हैं ये स्वाद के चारबाग के चिकन, स्पेशल चिकन शोपड़। मैंने ना पहले इसको शोरबा पढ़ लिया था भाई। तो अभी घर जा रहे हैं, निकलने लगे हैं। गाइस इसकी भी सुने, हमारा चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे और बहुत कुछ है वो भी करे। बहुत कुछ क्या होता है, अभी देखते क्या होता है भाई। अभी हम निकलने लगे सब।